अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिदा। आज मैं आपके लिए गर्मा गर्म टिक्की की रेसिपी लाई हूँ, जो बहुत ही मज़े की क्रंची होती है। खाने में इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हो, सुबह मॉर्निंग में भी इंजॉय कर सकते हो। ख़ास तौर पे आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो, बहुत ही अच्छे से इंजॉय करेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की रेसिपी के लिए। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, जिसमें मैं दो मीडियम साइज़ के उबले आलू को मैश करके रख लिया था, वो ऐड करूँगी। ये देखिए, अब मैं इसमें बारीक कटा प्याज ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं रेड चिल्ली पाउडर का इस्तेमाल करूंगी। आप चाहो तो ग्रीन चिल्ली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे जीरा पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ में धनिया पाउडर भी इस्तेमाल करूंगी। ये देखिए, अब मैं इसमें हल्दी का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, साथ ही गरम मसाला जो हमारी रेसिपी को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा, इसे भी ऐड कर लेती हूँ। फ्रेश कुरेंडियर बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा, इसे भी ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए दोस्तों। अब इसे अच्छे से बाइंडिंग देने के लिए हमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने दो ब्रेड को क्रम्स कर लिया था। इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ, इसे हाथों को अच्छे से क्लीन करके मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मिक्स करना है। ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसकी गोल गोल टिक्की बनाऊंगी। एक नींबू के जितना मिक्सचर ले लीजिए, उसे दोनों हाथों से इस तरह से अच्छे से प्रेस करते हुए टिक्की बना लीजिए। आप यहाँ पे अपने पसंद से कोई भी तरह की बना सकते हो, तो मैं इसी तरह से बना के सारा रख लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सारा बना लिया है, अब इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पर मैंने क्रम्स लिया है, इसे फ्लेवर देने के लिए नमक और ब्लैक पेपर पाउडर का इसमें ऐड करती हूँ। इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसे साइड में रखती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया, उसका अच्छा से घोल बना लिया है। ना ही ज़्यादा थिक है, ना ही ज़्यादा पतला है। ये देखिए, इसी तरह से बनाना है। अब मैं टिक्की को इसमें डिप करती हूँ और ब्रेड क्रम से इसे कोट करती हूँ। सारा मैं इसी तरह से कर लूँगी और इसे 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से सारा बनाना है। ये देखिए दोस्तों, इसे मैंने फ्रीजर में से निकाल लिया है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने तेल गरम होने रख दिया है। ये देखिए, इस तरह से हमें एक एक करते हुए 2 या 3 एक बार में आप फ्राई कर सकते हो। इस तरह से रख लेते हैं सब। जब हमारी टिक्की का कलर हो जाए अच्छे से, तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। एक साइड जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। दूसरी वाली टिक्की का भी कर लेते हैं सेम प्रोसेस से। काफ़ी क्रंची है, जूसी है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही मज़े की है। तो सारा मैं बना के रख लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने सर्व कर लिया है। बहुत ही मज़े का क्रंची और जूसी बनकर तैयार हो गया है। बच्चों को ये केचप के साथ दे दीजिए, बहुत ही खुशी खुशी से खा लेंगे। काफ़ी अच्छा क्रंची क्रंची इसका फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है। बहुत ही मज़े की स्वादिष्ट
क्रंची आलू की टिक्की बनकर तैयार हुई है। आप इसे नज़दीक से देख सकते हो, इस तरह से दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही मज़े की लगती है। मैं इसे आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से भी कितनी खूबसूरत है, गर्मा गर्म आप इंजॉय कर सकते हो। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके बच्चे एकदम खुश हो जाएंगे। बच्चों का तो ये फेवरेट बन ही जाएगा, आपको उनके लिए अलग से कुछ बनाने की झंझट भी नहीं रहेगी। जैसे ही वो स्कूल जाने लगे उनको ये फ्राई करके दे दीजिए फ्रिज में से निकाल कर, काफ़ी अच्छा रहता है। जितना भी आप बनाना चाहते हो फ्रीजर में रख लीजिए बनाकर, इसी तरह से तैयार करके आप रख सकते हो। तो साथ ही आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा मेरी इसी तरह की रेसिपी के लिए।